Welcome to Brahm Homeopathic Healing and Research Center. Myself Dr. Pradeep Kushwaha. और आज हम pancreatitis को पूरे डिटेल में समझेंगे. जब एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है और उसका जीवन बहुत अच्छे से बीतता है, लेकिन जब उसकी जीवन शैली, उसकी लाइफस्टाइल, उसके खान पान और बहुत से ऐसी आदतें और तो अन्य कारणों के वजह से जब उसका इंटरनल सिस्टम डिरेंज होता है, तो उसका इफेक्ट बहुत से केसेस में पेनक्रियास पे दिखाई देता है. पेनक्रियास जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह के फंक्शन प्रोड्यूस करता है. एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइमेटिक फंक्शन है जो पाचन में हेल्प करता है, और जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो हार्मोनल फंक्शन है जो ब्लड शुगर के मेंटेनेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. पेंक्रियाटाइटिस एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे इस पेंक्रियास के ऊपर सूजन हो जाती है, और इस इंफ्लेमेटरी चेंजेस के वजह से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन ग्रेजुअली डिस्टर्ब होने लगते हैं. स्टार्टिंग में पेशेंट को एक्यूट अटैक्स आते हैं, एक्यूटली उस पे सूजन आ जाता है, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होने लगता है. इस कंडीशन को एक्यूट इंफ्लेमेशन कहते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं. एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से लेकर के यह डिजीज ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते जाती है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में बदलता है, उस पे कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट होने लगता है, उसके अंदर के डक्ट्स में स्टोन फॉर्मेशंस, साइज छोटा होना, ब्लड सर्कुलेशंस में प्रॉब्लम्स आना, उसके डक्टल सिस्टम में प्रॉब्लम आना, साथ ही साथ फिशुला वगैरह फॉर्मेशन होना, और एडवांस केसेस में कैंसर जैसी अवस्था डेवलप होती है. तो किस तरह से एक बिगिनिंग स्टेज से लेकर के कैंसर तक के स्टेज में ये पूरी जर्नी होती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. और किस तरह से जब पेशेंट इसका इलाज करता है, उसके आने वाले साइन एंड सिम्टम को सिर्फ मेडिसिन लेके टाइमिंग के लिए कवर करता है, उसके बावजूद भी ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, इस बारे में हम बात करेंगे. लक्षणों का सिर्फ ना होना या थोड़े टाइम के लिए दब जाना उसका क्योर नहीं होता है. पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स में इस तरह की कंडीशन अक्सर आती है जब उनके लक्षण दवाइयों से कम हो जाते हैं, लेकिन डिजीज ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते जाता है और स्टेप बाय स्टेप उनकी सिचुएशन खराब होती जाती है. कई लोगों में सर्जरी वगैरह की भी नौबत आती है, उसके बावजूद भी किसी तरह का रिकवरी नहीं देखने को मिलता है. मैं आपको हर एक स्टेज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से ब्रह्म होम्योपैथिक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक मेडिसिन से आप अपने कंडीशन को, आप किसी भी स्टेज में होते हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप रिकवर कर सकते हैं. उसके लिए कई एविडेंसेस, पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स और भी जो रिपोर्ट्स है जो ये बताता है कि इस तरह की कंडीशन जो इररिवर्सिबल है, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ब्रह्म होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे रिवर्स किया गया है. तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप हर डिजीज को समझते हैं.